अभी हम देखने वाला है होम कमांड में जो बचा हुआ चीज को देखने वाला है। इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें लेवल्स इम्पोर्टेंट है, लेवल्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो काम करना थोड़ा आसानी नहीं है। क्योंकि अभी देखो ये एग्जांपल मैंने लेके आया है, पहला एग्जांपल एक पंच डाइए और एक शार्पिन है, इसके साथ आपके पास दिया हुआ है। अभी आपको मिशन करना है, सिर्फ ओनली इसको मिशन करना है, तो ये सभी नहीं चाहिए। और इसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करेगा आप, कैसे अपना अपना प्लेस में लगाएगा, तो इसके लिए ये ऑप्शन मिलता है हमको लेवल्स। सो लेवल्स का दो तीन तरीका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये असेंबली फाइल मिल गया तो आप अलग अलग पार्ट को अलग अलग जगह पे रख के जब चाहिए जब यूज करना कर सकते आराम से, बराबर। अभी सबसे पहले मैं ये इसको रीअरेंज करता हूँ। देखो पहले ये पंच प्लेट है, ठीक है ना, तो मैं बोलता हूँ इधर पंच प्लेट को राइट क्लिक, लेवल्स, लेवल उधर भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, किधर भी ले बस यही है। तो सबसे पहले यूज एक्टिव लेवल्स को निकालना चाहिए, ठीक है। ये लेवल 100 में रखता हूँ, इसका नाम देता हूँ पंच, ठीक है। अभी लेवल में देखो, ये देखो लेवल, लेवल में जाके पंच को निकाल दिया, तो डिस्प्ले विजिबिलिटी ऐसा ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी मेन लेवल है ये, इसमें थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। देखो ये मेन लेवल जो ग्रीन कलर टिक हुआ है, मेन लेवल है ये। विजिबिलिटी ऑन ऑफ करने के लिए इधर से विजिबिलिटी ऑन ऑफ कर सकते हैं। कभी कभी भी आपने मेन लेवल को ऑफ नहीं करेगा, अलग नहीं करेगा। मेन लेवल कैसे चेंज करने का, इधर आके क्लिक करने से मेन लेवल चेंज होगा। अभी देखो ये ऑफ कर सकता हूँ मैं, तो मेन लेवल चेंज करना है तो आपको पहला कॉलम में ये ग्रीन टिक वाला कॉलम में उधर चेंज किया, तो ये अभी मेन लेवल चेंज हुआ, तो अभी विजिबिलिटी ऑन ऑफ आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पंच को मैंने निकाल दिया, अभी ये चारों पिन को भी मैं लेवल में डाल देता हूँ, होम लेवल। तो इसको बोलता हूँ 200 में, इसका नाम बोलता हूँ गाइड पिन, ठीक है। तो ओके बोल दो, अभी मूव हो गया। अभी देखो गाइड पिन भी निकल जाएगा। अभी इसको सेलेक्ट करो, इसका नाम दे दो, होम में जाओ, लेवल में इसका नाम 300 है, ये पिन डाई प्लेट है, ठीक है। तो अभी ओके बोलो, अभी हमने रीअरेंज कर दिया। अभी पहला लेवल में जो आएगा वो पहला लेवल में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ये वायर फ्रेम रहेगा। तो आप डायरेक्टली भी इधर वायर फ्रेम बना निकाल सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लेवल में आप अरेंज कर सकते हैं। सपोज आपको अभी काम करने के लिए सिर्फ डाई प्लेट चाहिए, सो इसको ऑन कर दो, दूसरा सभी को ऑफ कर दो, तभी जाके आप जो काम करना है कर लो, तो दूसरा कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये एक तरीका, तो मतलब आपको मूव कर लिया सब तरफ से ये कंपोनेंट्स को सभी फाइल में से मूव करके रख लिया। और इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन में आपको ये पूरा इसको डिस्टर्ब नहीं करने का, मेरा असेंबली को डिस्टर्ब नहीं करने का, तो सिर्फ आप कॉपी भी कर सकते हो, है ना। लेवल में देखेंगे ना, लेवल ए एंड सिलेक्शन, अभी मैंने जे मूव किया, आप कॉपी किया तो इसका और एक कॉपी दूसरा जगह पे रहेगा। ओके सो सपोज एग्जाम्पल है, एक ही इसमें बनाया तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। आप ट्राई करो, मूव भी यूज कर सकते हैं, कॉपी भी यूज कर सकते हैं। मूव किया तो
कोई कंपोनेंट ये लेवल से लेके दूसरा लेवल में चला जाएगा। कॉपी किया तो ये इसका जो कंपोनेंट सेलेक्ट किया उसका एग्जैक्ट कॉपी मिल जाएगा, डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसके मतलब आपने ओरिजिनल फाइल को डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, तो दूसरा उसका कॉपी बना के उसमें काम किया, ऐसा बन सकता है। इधर वे यू कैन यूज दी लेवल। जनरली लेवल से काम करना अच्छा है क्योंकि आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने के लिए लेवल्स बहुत सारा यूज होगा। तो आपको ऑर्गेनाइज्ड लेवल में काम करना है तो यू हैव टू डू बाय द लेवल्स। और उसके अलावा भी नेक्स्ट जेड डेप्थ का है। ये जेड डेप्थ के बारे में और नया फाइल एक बनाता हूं मैं, एक छोटा से सॉलिड ब्लॉक बना देता हूं। से भी काम नहीं हुआ। ठीक है, जेड डेप्थ के लिए सपोज मेरे को एक वायरफ्रेम रेक्टेंगल बनाता हूं। तो अभी ये रेक्टेंगल अभी 0 0 में, जेड 0 0 में हुआ है। सपोज मेरे को ये रेक्टेंगल है 50 एमएम ऊपर होना चाहिए, तो क्या करेगा जेड डेप्थ को अभी इधर 50 अभी मैं आपने क्या किया, Z को 0 से 50 में शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी जाके आप ड्रा करेगा, किधर ड्रा होगा, 50 के है ऊपर, समझ रहे हो ना। मैं काम इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, टॉप व्यू में चला जाता हूँ। तो मेरा Z 50 में रखा हूँ, 2D में रखा हूँ। अभी जाके मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, बट एक्चुअली ये बनाया हुआ है जेट 50 में। ये है मतलब होता है जेट लेवल का, यही मतलब होता है जेट का। तो अभी क्या देखा हमने, दो चीज देखा है, जेट लेवल क्या चीज है और लेवल्स क्या चीज है। इसमें कुछ मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं हुआ। एग्जैक्ट बहुत यूज होता है किधर, और 3D में काम करने के टाइम पे आपको एग्जैक्ट लेवल यूज करना अच्छी तरह आना चाहिए, तो ही आप 3D में अच्छी तरह काम कर सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट लेवल बिना आप कोई भी मॉडल बन नहीं सकता। क्योंकि सपोज एक कंपोनेंट है, उसके फ्रंट व्यू में कुछ प्रोजेक्शन है, टॉप व्यू में कुछ कैविटी है और कुछ बनाना है, तो आपको हमेशा सी प्लेन के साथ जेट यूज करना आना चाहिए। अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैंने जेट क्या चीज है उतना ही, जेट डेप्थ क्या चीज है उतना ही बताया। ओके,